नमस्कार, मैं हूं आयुषी मित्तल और स्वागत है आपका मध्य प्रदेश बुलेटिन में। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के ऐलान से पहले ही सियासत तेज हो गई है। जहां एक और बयानों की बौछार है, वहीं बयानों पे सवाल उठाना भी सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। प्रदेश की महिला और बाल विकास मंत्री इमरती देवी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है। कांग्रेस इस मामले में चुनाव आयोग पहुंच गई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां डबरा इलाके में प्रचार के दौरान इमरती देवी कह रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह की मंशा है कि अगर हम अच्छे वोटों से जीते तो हमको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। बालाघाट पुलिस ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में वांछित 12 लाख रुपए के इनामी नक्सली बादल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस महानिरीक्षक केपी वेंकटेश्वर राव ने बहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि उस पर छत्तीसगढ़ में 5 लाख रुपए का इनाम, महाराष्ट्र में 4 लाख रुपए का इनाम और मध्य प्रदेश में 3 लाख रुपए का इनाम घोषित था। खांडवा के मूदी के ग्राम गौनखेड़ा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां घर में चारपाई पर सो रही 1.5 साल की मासूम बेटी समेत मां की 100% जलने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना बुधवार रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है। वहीं मृत महिला के पिता ने ससुराल पक्ष पर जलाने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज की है। खांडवा में 10 साल पहले महिला ने जिस व्यक्ति से प्रेम विवाह किया था, उसी को अपने दूसरे प्रेमी के हाथों मरवा दिया। महिला ने अपने पति की हत्या कराने के लिए प्रेमी को 1,25,000 रुपए की सुपारी दी थी। इसका खुलासा पंधाना थाना पुलिस ने किया है। खांडवा शहर के कोतवाली थाना प्रभारी बनवारी मंडलोई की फर्जी फेसबुक आईडी बनाने का मामला सामने आया है। साइबर गिरोह ने 1,000 रुपए की मांग की। इसको लेकर उनके फेसबुक फ्रेंड्स भी हैरान रह गए और ऑफिसर्स में अफरा तफरी मच गई। जांच में मामला सामने आने पर थाना प्रभारी ने फेसबुक आईडी बंद कर दिया है। डोंगर गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब नकली किन्नरों का असली गुर्गों से आमना सामना हो गया, जिसके बाद नकली किन्नरों को असली किन्नरों ने पकड़कर उनकी जमकर पिटाई की। हंगामा देखकर ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। तभी ग्रामीणों ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। उसके बाद उस वक्त दोनों युवकों को किन्नर ऑटो में बिठाकर अपने साथ ले गए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बेरोजगारी दिवस मनाने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 15 महीने की कांग्रेस सरकार ने एक बेरोजगार को रोजगार नहीं दिया, तो बेरोजगारी दिवस तो मनाएंगे ही। साथ ही उन्होंने कहा कि 15 महीने में एक भी रोजगार नहीं दिया है, ऐसी पार्टी कहीं नहीं देखी होगी। एक वैकेंसी नहीं निकली, ऐसी सरकार नहीं देखी होगी। एक बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया होगा, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा होगा। वहीं उन्होंने कहा कि लिखित में झूठ बोला, ऐसी पार्टी नहीं देखी होगी। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन सभी दल तैयारियों में जुट गए हैं। राज्य में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले जोड़ तोड़ की राजनीति भी शुरू हो गई है। इस बीच सुर्खी में पूर्व बीजेपी विधायक पारुल साहू ने कमलनाथ से मुलाकात कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। भोपाल में पारुल साहू का कांग्रेस में शामिल होने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस में व्यक्तियों का टोटा है, इसलिए वह प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं। पिछली जो सूची आई है, बेरोमी से लेकर भांडोर और ग्वालियर तक सब इम्पोर्टेड हैं। जैसे कांग्रेस की स्थिति है, वैसे ही आने वालों की स्थिति भी है। कमिश्नर भोपाल के किसानों के कर्ज बीमा राशि से फसल बीमा राशि तक निर्देश जारी हुए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार पर किसानों की मदद करने के बजाय उन्हें लूटने का आरोप लगाया है। कमिश्नर भोपाल की किसानों की फसल बीमा राशि से कर्ज की राशि वसूलने का निर्देश जारी हुआ है।
एमपी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हिंद भारत। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।